Hello guys, welcome back to my channel. This is Harsh Mishra and you are watching King Cricket. तो गाइस हम सब जानते हैं कि IPL दुनिया भर में होने वाली तमाम T20 लीग्स में सबसे बेहतर है. शायद इसी वजह से हर कंट्री का प्लेयर इसमें खेलना चाहता है. हर प्लेयर के मन में कहीं ना कहीं ये होता है कि उसे दुनिया के बेस्ट T20 लीग में परफॉर्म करने का मौका मिले. तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स और उनके IPL कैरियर की. तो हम आपको बता दें, IPL की शुरुआत 2008 से हुई जिसमें दुनिया भर के क्रिकेटर्स ने हिस्सा लिया था और यही एकमात्र सीजन था जिसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स ने IPL में पार्टिसिपेट किया था. हालांकि उसके बाद से दोनों देशों के पॉलिटिकल रिलेशन अच्छे नहीं होने के चलते अभी तक दोबारा IPL में पाकिस्तानी प्लेयर को मौका नहीं मिला है. तो 2008 के IPL सीजन में टोटल 11 पाकिस्तानी प्लेयर्स ने भाग लिया था. तो सबके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में. तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, साथ ही हमारे इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आने वाली क्रिकेट की ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचती रहें. तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट. आठ के IPL सीजन में कुल 11 प्लेयर्स पाकिस्तान के खेले थे और इस लिस्ट में नंबर वन पर हैं सोहेल तनवीर. सोहेल तनवीर 2008 IPL में राजस्थान रॉयल्स टीम का हिस्सा थे और पहले ही सीजन में काफ़ी बढ़िया बॉलिंग की थी. 2008 में इन्होंने कुल 11 मैच खेले जहां इन्होंने 12 की औसत से 22 विकेट चटकाए. और अगर हम बात करें इनकी इकॉनमी की तो लगभग 7 की इनकी इकॉनमी रही थी और इनका बेस्ट बॉलिंग फिगर 14 रन देकर 6 विकेट है. इस लिस्ट में नंबर दो पर आते हैं यूनुस खान. यूनुस खान 2008 IPL विनर टीम राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा थे. वहाँ सिर्फ इन्हें एक मैच खेलने का मौका मिला. एक मैच इन्होंने खेला जहाँ इन्होंने टोटल 3 रन बनाए. टेस्ट क्रिकेटर की इमेज होने के चलते इन्हें आगे मौका नहीं मिला. इस लिस्ट में नंबर तीन पर आते हैं कामरान अकमल. कामरान अकमल भी IPL में राजस्थान रॉयल्स टीम का हिस्सा थे जहाँ इन्होंने कुल 6 मैच खेले और 164 की स्ट्राइक रेट से टोटल 128 रन बनाए थे. वहीं इनका एवरेज भी 25 का रहा था. इस लिस्ट में नंबर चार पर आते हैं शोएब मलिक. पाकिस्तान के अनुभवी ऑलराउंडर शोएब मलिक दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेले थे जहां इन्होंने कुल 7 मैच खेले और 110 की स्ट्राइक रेट से सिर्फ 52 रन बनाए. और अगर इनके एवरेज की बात करें तो केवल 13 का रहा था. बाकी मैचों में इन्हें खराब प्रदर्शन के चलते मौका नहीं मिला था. इस लिस्ट में नंबर पाँच पर आते हैं शाहिद अफरीदी. वन ऑफ द डिस्ट्रक्टिव प्लेयर ऑफ पाकिस्तान IPL में डेक्कन चार्जर्स की टीम से खेले थे जहां इन्होंने टोटल 10 मैच खेले और 176 की स्ट्राइक रेट से सिर्फ 81 रन बना पाए थे. और अगर हम इनके एवरेज की बात करें तो अप्रॉक्स 10 का रहा था. वैसी परफॉर्मेंस ये दे नहीं पाए जैसी कि टीम से एक्सपेक्ट कर रही थी. इसी कारण से इन्हें बाकी बैचों में बेंच पर बैठना पड़ा. इस लिस्ट में नंबर 6 पर आते हैं मिसबाउल हक. पाकिस्तान के अनुभवी बल्लेबाज मिसबाउल हक IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम का हिस्सा थे जहां इन्होंने कुल 8 मैच खेले और 144 की स्ट्राइक रेट से 170 रन बनाए थे. और अगर हम इनके एवरेज की बात करें तो सिर्फ 17 का रहा था. इस लिस्ट में नंबर 7 पर आते हैं उमर गुल. दाएं हाथ के तेज गेंदबाज उमर गुल अपना IPL सीजन कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम से खेले थे जहां इन्हें कुल 6 मैच खेलने का मौका मिला और इन्होंने कुल 12 विकेट चटकाए. अगर हम इनके इकॉनमी की बात करें तो लगभग 8 की रही थी. साथ में इन्होंने बल्ले से भी 39 रनों का योगदान दिया था. इस लिस्ट में नंबर 8 पर आते हैं शोएब अख्तर. रावलपिंडी एक्सप्रेस नाम से फेमस स्पीड स्टार IPL में KKR की टीम से खेले थे जहां इन्होंने कुल 3 मैच खेले और 5 विकेट चटकाए थे. अगर हम इनकी इकॉनमी की बात करें तो लगभग 7.5 की इनकी इकॉनमी रही थी. इस लिस्ट में नंबर 9 पर आते हैं मोहम्मद हफीज़. पाकिस्तान के बेहतरीन ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम से खेले जहां इन्होंने कुल 8 मैच खेले और टोटल 64 रन बनाए थे. और इनकी स्ट्राइक रेट की बात करें तो लगभग 70 की स्ट्राइक रेट से इन्होंने रन बनाए थे. इस लिस्ट में 10वें नंबर पर आते हैं मोहम्मद आसिफ. पाकिस्तानी दिग्गज गेंदबाज मोहम्मद आसिफ IPL में दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम से खेले जहां इन्होंने कुल 8 मैच खेले और सिर्फ 8 विकेट ही निकाल पाए. अगर हम इनके इकॉनमी की बात करें तो लगभग इनकी इकॉनमी 10 की रही थी. तो यही थे वो 10 पाकिस्तानी प्लेयर्स और उनका IPL कैरियर. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आने वाली क्रिकेट की ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचती रहें. तो आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं अगली वीडियो में. जय हिंद, जय भारत.